दोस्तों बिग बॉस के सीजन 15 के लाइव फीड में बीती रात को समिता शेट्टी के बारे में करण कुंद्रा के सामने तेजस्वी ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर आप भी काफी हैरान रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोस्तों बीती रात को जब घर के सभी कंटेस्टेंट्स होने की तैयारियां कर चुके थे, उस दौरान तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा जंगल वाले हिस्से में एक दूसरे के साथ टहलते हुए बातचीत कर रहे थे। इस दौरान समिता शेट्टी के मुद्दे पर तेजस्वी ने बात करते हुए करण को बताया कि समिता फालतू के लिए रिश्ते बनाती है घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए। अगर आज की डेट में वो विशाल को अपना भाई कहती है तो उससे भी केवल मतलब के लिए भाई कहती है, क्योंकि विशाल जो है वो शरीर में हट्टा कट्टा है और टास्क को खेलने के लिए काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म भी करता है। और जिस टास्क में समिता को विशाल का सपोर्ट मिल जाता है वो टास्क तो वो जीत जाते हैं, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ को देखते हुए समिता ने उसको अपना भाई बना लिया है और अपने मतलब के लिए वो उससे काम निकलवाती है। जिस पर दोस्तों करण ने कहा कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं भाई बहन वाला रिश्ता भी उनका है। जिस पर तेजस्वी ने कहा कि मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि भाई बहन वाला रिश्ता नहीं है, भाई बहन वाला रिश्ता तो उनमें जरूर है, लेकिन वो केवल मतलब के लिए भाई बहन का रिश्ता बनाया हुआ है। अगर आज की डेट में समिता को राजीव या फिर विशाल में से किसी एक को कोई प्रायोरिटी देनी हो तो वो एक मिनट में विशाल को लात मार के निकाल देगी और विशाल की जगह वो राजीव को ही अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल करेगी। ये चीज तुम लिख के ले लो और एक दिन तुम देखना इस चीज का एग्जाम्पल भी तुम्हें देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर तेजस्वी की ये सारी बातें सुनने के बाद में करण कुंद्रा को भी लगा कि यार बात तो ये बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि दोस्तों भले ही विशाल घर के अंदर राजीव से पहले आए थे, लेकिन भाई तो भाई होता है और घर के अंदर बनाया हुआ भाई तो आप सभी जानते हैं कि बिग बॉस में कोई भी रिश्ता रियल नहीं हो सकता। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या तेजस्वी प्रकाश समिता के बारे में सही कह रही है या गलत? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। यदि आपको भी तेजू की बात पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बिग बॉस की हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।